फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर एग। नया दिन, नई शुरुआत। आज नया घर, 192 स्क्वायर का साइज, 3 बेडरूम 3 वॉशरूम, काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है। अप्रोच की बात करूं तो हांगकांग बाजार पास में है, SGFC स्कूल पास में है, प्रॉपर गेटेड है। गेटेड एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, प्रॉपर पार्किंग के साथ, लिफ्ट के साथ, अच्छा काम किया हुआ है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पास में है, 5-10 मिनट के ड्राइव पे आपको रैपिड मेट्रो का एक्सेस मिल जाता है। स्कूल्स की बात करूँ, SGFC स्कूल पास में है, शैलोम हिल्स इंटरनेशनल स्कूल पास में है, सेंट जेवियर स्कूल पास में है, DPS इंटरनेशनल स्कूल पास में है। हॉस्पिटल की बात करूँ तो RTMS हॉस्पिटल पास में है, W प्रतीक्षा हॉस्पिटल पास में है, आनंद हॉस्पिटल पास में है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, M3M का जो एट्रियम मॉल है वो बिल्कुल वॉक इन पे है, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो ये ब्रांड न्यू घर है, अच्छी आस्किंग में डिसेंट घर है, तो ये पूरी वीडियो देखिए। आइए, इस तरीके से हमारी एंट्री है। एंट्री करते ही ये प्रॉपर आप देखें, प्रॉपर ड्राइंग डाइनिंग है। ये आपकी सामने की एकदम अट्रैक्टिव हाइलाइटेड वॉल, सामने की तरफ किचन, बीच में वुडन पार्टीशन, काफ़ी बढ़िया फॉल सीलिंग है, कंसील लाइट के साथ छोटा सा शेंडलियर दिया हुआ है और बहुत ही प्यारी फिनिशिंग। तो फर्स्ट बेडरूम विद अटैच वॉशरूम, किचन आपको दिखा दिया, मंदिर आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका प्रॉपर ड्राइंग डाइनिंग है, ठीक है जी। सेकंड बेडरूम विद अटैच वॉशरूम और ये थर्ड बेडरूम, और केटेड के अकॉर्डिंग आस्किंग भी डिसेंट है, तकरीबन 139 की आस्किंग के आसपास है थर्ड फ्लोर। बाकी इसमें 2 फ्लोर अवेलेबल हैं और अपर ग्राउंड 144 की आस्किंग है। बहुत कम नेगोशिएशन है इसमें, रीज़न कि एक तो प्लॉट छोटा साइज़ काफ़ी महंगा हो गया, फिनिशिंग जो जिस काम की हिसाब से करी है थोड़ी सी डिफरेंट है। तो आज मैं आपको किचन में लेके चलता हूँ। ये इस तरीके से किचन है, प्रॉपर रेफ्रिजरेटर का स्पेस, और ये देखें आप क्वार्ट्स, बहुत ही प्यारा काम किया हुआ है। अब इसमें मुझे थोड़ा सा क्या लगा, ये अगर ऑफ वाइट होता तो और ग्लो मारता है, क्योंकि जो टाइल्स हैं थोड़ी सी ऑफ वाइट हैं, और जो लाइट है नीचे भी वो भी ऑफ वाइट आ रही है, तो नीचे का जो बेस है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव है। 4 बर्नर हॉब है, चिमनी है, स्टोरेज डिसेंट है, और इस तरीके से आप देखें वेट एरिया प्रॉपर, ठीक है जी। माइक्रोवेव OTG का स्पेस है, यहाँ पे आपकी टॉल यूनिट का स्पेस है, टॉल यूनिट लगेगा भी, और स्पेस ठीक ठाक है, और बालकनी की तरफ प्रॉपर एक्सेस है। अच्छा, ये इसके अंदर फॉल सीलिंग काफ़ी अच्छी है, फ़ैन भी दे दिया इसमें इन्होंने, और ये आपका वुडन टेक्सचर में फॉल सीलिंग पे पेंट किया हुआ है, और ये थोड़ी सी फील ड्राइंग डाइनिंग की। मंदिर बहुत ही प्यारा दिया है, जान डाली हुई है, मंदिर बहुत प्यारा बनाया हुआ है, ठीक है जी। ये प्रॉपर सारे टाइल्स हैं, ये इटालियन नहीं है। ये फर्स्ट बेडरूम, सामने की तरफ हाइलाइटेड वॉल, वॉलपेपर काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है जी। प्रॉपर LCD पैनल, साइज ठीक ठाक है, क्लियर स्पेस है, बिल्डर ने मेश की जाली तक लगाई है। सामने की तरफ 3 सेक्शन वार्डरोब, ये आपके अंदर का स्पेस ही ले रहा है, और वाओ बहुत ही बढ़िया छोटा सा ड्रेसर निकाल के दे दिया, और ये आपका वॉशरूम, फैंसी लाइट्स लगी हुई हैं, और मिरर भी बढ़िया लगा हुआ है, टाइल्स डुअल कलर में है, और नीचे आप देखें मैट फिनिशिंग की टाइल्स हैं, जैक्वार पूरा चेकवार है, तो नेचुरलाइट वहाँ से भी आएगी शॉफ्ट, और ये प्रॉपर नेचुरलाइट भी आएगी, और आपको इन्होंने एग्जॉस्ट भी दे रखा है डोर मैट फिनिशिंग में। यहाँ से आते ना तो
तो सामने वाला वॉलपेपर डिजिटल काफ़ी अच्छा लग रहा है, नहीं तो बहुत कलर टैकी सा मिल जाता है, बट बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा साफ़ सफाई नहीं है, पीछे वॉलपेपर लगना है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। ये वॉलपेपर भी लगना है इसके ऊपर, और सामने एलसीडी पैनल का स्पेस, बालकनी के साथ 3 सेक्शन प्रॉपर वॉर्डरोब्स, छोटा सा मिरर लगा दिया, ये अच्छा किया, ये काफ़ी बढ़िया टाइल्स हैं डुअल कलर में, और नीचे मैट फिनिशिंग में टाइल्स ही हैं। वॉशरूम ठीक ठाक है, 192 स्क्वायर के अकॉर्डिंग काफ़ी बढ़िया वॉशरूम है। जैक्वार अगर ये लग जाता ना तो बहुत अच्छा लगता है, अभी लगा नहीं है। तो एलसीडी पैनल आपको दिखा दिया, प्रॉपर बैक साइड की बालकनी तकरीबन 5 फीट वाइड है, वॉशिंग एरिया इस तरीके से, दोनों बेडरूम को बैक साइड की बालकनी है, छोटा सा स्पेस बचा हुआ है सामने। ये आपकी प्रॉपर मेन रोड, बेडरूम से बाहर आके फिर अगेन काफ़ी डिसेंट स्पेस निकाला हुआ है। अभी हम ये थर्ड बेडरूम की तरफ चल रहे हैं, सामने की तरफ पैटर्न वॉल काफ़ी बढ़िया लग रहा है, हैंगिंग लाइट्स दी हुई हैं, 3 सेक्शन वार्डरोब दिया हुआ है, स्पेस बेड की बैक, ये सरप्राइजिंग है। यहाँ पे एलसीडी पैनल क्यों नहीं दिया, फॉल सीलिंग ठीक ठाक, बढ़िया मेश की जाली, 3 ट्रैप दिया है, छोटे साइज में भी काम अच्छा किया हुआ है। तो हर वार्डरोब के साथ कुछ स्पेस आपकी मेमोरीज को और आपके मास्टर पीसेस जो आप छोटे छोटे सजाने के रह सकते हैं, और इस तरीके से इसका वॉशरूम बहुत ही प्यारा काम, टाइल्स काफ़ी अच्छी लगी है, हाई ग्लोसी टाइल्स हैं और इसमें ग्रूव्स ही हुए हैं ब्रास का, तो ये ब्रास का ग्रूव्स के साथ काफ़ी बढ़िया डिज़ाइनर मिरर, चेकवार ये आपके बाथिंग यूनिट, छोटे साइज में ग्लास लगाना टफ हो जाता है, मैट फिनिशिंग की टाइल्स हैं, डुअल कलर का पैटर्न है, बढ़िया घर। हाँ जी, वेलकम बैक। जैसे कि आप लोगों ने ये घर देखा, घर ऑलमोस्ट 192 स्क्वायर के हिसाब से काफ़ी अच्छा स्पेस निकाला हुआ है, किचन बहुत ही बढ़िया, एक्चुअल में किचन जो लग रहा है ना 240 स्क्वायर यार्ड के साइज़ का लग रहा है, क्योंकि प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेटेड भी है, स्पेस भी है, स्टोरेज भी है, फैंसी फैंस दे दिए, घर अच्छा बनाया हुआ है, मंदिर का साइज़ भी अच्छा है, ओवरऑल गुड लेआउट, बहुत बेहतरीन फिनिशिंग के अंदर कहीं ना कहीं छोटी छोटी वर्कमैनशिप की कमी है, वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1-to-1 डील में बैठते हैं तो बात हो सकती है। बात करें अभी एलसीडी पैनल भी फर्निश होने हैं, काम अभी हो रहा है, कमियां क्या है, देखो हो सकता है कि छोटे साइज़ में तो इटालियन कम लगाते हैं, तो यहाँ पूरे घर में टाइल्स लगी हुई हैं तो वो ड्रॉबैक नहीं कह सकते, लगा हुआ है ना, कुछ माइनस तो नहीं है, तो ये पॉइंट हो गया। बाकी ग्लास पार्टीशन नहीं है, छोटे साइज़ में टफ होता है, एक बेडरूम में मुझे लगता है कि एलसीडी पैनल वहाँ पे दिया था तो यहाँ वहाँ पे होना चाहिए था, और कुछ लोग ड्राइंग में एलसीडी पैनल मांगते हैं, दे देते थे तो अच्छा और अच्छा हो जाता। होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्रॉपर काम किया हुआ है एलिमेंट के साथ, अगर ये बेसिक होता तो शायद 4-5 लाख और कम होते, बट ये कि नॉन नेगोशिएबल प्राइजेज हैं, बिल्डर बहुत रिजिड है, आस्किंग तो बहुत ऊपर है, बट ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ तक डील बन जाए। आई होप आपको ये घर अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। फ्रंट की बालकनी में ओपनली नहीं दिखा सकता, रीज़न क्या है कि काफ़ी डार्क है बाहर, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
प्लीज काफी मेहनत कर रहे हैं, शाम के 7:30 बजे पर हैं। आप लोगों के लिए हम वर्किंग करते हैं अच्छे घर ढूंढने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो में। गुड बाय।